अनुग्रह चर्च में कॉल करके प्रार्थना करवाएं व अपने लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दूसरों को भी शेयर करें। इसमें लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हल्लेलुया, संग हूँ, हल्लेलुया। पहले हमें कुछ करना है क्योंकि परमेश्वर तो कर ही देंगे, ठीक है। परमेश्वर अपने वचन के लिए क्या है, विश्वास योग्य हैं, ठीक है। अगर वो विश्वास योग्य नहीं होते तो हम सब यहाँ बैठे नहीं होते, हाँ या ना, ठीक है। तो परमेश्वर तो कर ही देंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया पहले हम वो कर दें तो आशीष जरूर मिल जाएगी। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें मन फिराना है और हमें क्या करना है, हमें मन फिरा के बैप्टिज्म लेना, बपतिस्मा लेना, ठीक है। बहुत अद्भुत काम आपने देख लिए, चिन्ह चमत्कार देख लिए, यीशु मसीह परमेश्वर है आप जान चुके हैं। अब क्या रोक टोक है कि आप बैप्टिज्म ले लो? अब कोई रोकता है जो दुष्ट आदमी को डांट लगाओ, ठीक है, कि परमेश्वर के उद्धार को जो दुष्ट आत्मा से चुराना चाहती है उन दुष्ट आत्मा को डांट लगाओ। क्या करना है? डांट लगाना है। हल्लेलुया। और यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें आगे दी है मानना सिखाओ। हल्लेलुया। तो ये सब आप सभी का जो है एक ड्यूटी बन जाएगी कि आपने लोगों को परमेश्वर के आज्ञा सिखानी है, आप सबको परमेश्वर के वचन को सिखाना है। देखिए मैं चार पांच कुछ हथियारों के बारे में बताऊंगा आपको, कितने जन तैयार है, रेडी, कितने जन रेडी है रिसीव करने के लिए। आराधना करना एक हथियार है, क्या है बोलो, आराधना करना एक हथियार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। बोलो, प्रार्थना करना एक हथियार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की फायर प्रेयर करना, आपको दुष्ट आत्मा को डांट लगाना है, दुष्ट आत्मा को बांधना है, ये आपका हथियार है, ये अधिकार है आपके पास। किसके पास है अधिकार? बोलो मेरे पास अधिकार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हल्लेलुया, आपकी जो सीड बोई जाती है वो भी आपका हथियार है, वो एटम बॉम्ब के जैसे ये शैतान के ऊपर गिरता है। आपकी जो सीड होती है ना वो एटम बॉम्ब के जैसे शैतान के ऊपर गिरता है और क्या होता है आपको जल्दी मिलती है ब्लेसिंग उसकी। हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया, हम निकालेंगे योहन्ना तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर उसकी पांचवी आयत तक पढ़ेंगे। योहन्ना तीसरा अध्याय पहली आयत से लेकर इसमें लिखा है फरीसियों में निकुदिमुस नाम का एक मनुष्य था। कुछ और सेकंडों को पढ़ना। फरीसियों में निकुदिमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकुदमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हल्लेलुया, ये यहाँ पे क्या हुआ, फरीसियों में एक धर्म गुरु, यहूदियों की धर्म जो सरदार है, वो आगे जो आराधनालय के जो सरदार है वो यीशु मसीह से रात के समय जो भेंट करने आते हैं और क्या कहते हैं कि हे टीचर, हे रबी, यानी कि गुरु, जो काम आप करते हैं अगर परमेश्वर आपके साथ ना हो तो नहीं कर सकता कोई। यीशु मसीह ने उस बात को इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन सबसे ज्यादा अहमियत किस बात को दी, हमारे नए जीवन के बारे में। किसके बारे में अहमियत दी जाना, नए जीवन के बारे में। यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा
किसी आदमी यीशु ने उसको कहा, उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, देख नहीं सकता। हालेलुया। आपकी कितनी एज है और आप कितना जीने वाले हो आप बताइए, हम कितना और जिएंगे बताइए, कोई 50 साल का है तो कितना साल और जिएगा बताइए, हम 70 या 80 वर्ष जीते हैं बताइए, कितनी लाइफ हमारी बची है बताइए, बताइए। अब देश अंदर कह रहे हैं 10-15 साल रह गई है उनकी, उनकी एज के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से कितनी है बताइए, बताइए। कोई किसी से 200 साल लिखवा के लाया परमेश्वर को बताइए, भूगोल के तो जीवन के बाद क्या करना है, नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है बोलिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी पड़ेगी परमेश्वर से, अपने पापों की क्षमा आपको परमेश्वर से प्राप्त करनी पड़ेगी, जो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा हमें मिलता है, उस सैक्रिफाइस को अपने जीवन में क्लेम करना है। हालेलुया। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो हम परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, क्या वाचा बांधते हैं, क्या वाचा बांधते हैं कि हम परमेश्वर पाप के लिए मर गए और यीशु मसीह की समानता में जी उठे, किसकी समानता में, यीशु मसीह जैसे निष्कलंक रहे निष्पाप रहे, वैसे हमें भी इस जीवन को व्यतीत करना है बैप्टिज्म के बाद। इसीलिए कुछ आज्ञाएं ऐसी होती कईयों को नहीं बताती, लेकिन जब आप वचन स्टडी करते रहते हैं 3-4 महीने आप खोल जाते हैं, आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई, अब जो है आपको पता लग गया मुझे बैप्टिज्म के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है कि मुझे पाप नहीं करना और मुझे निष्कलंक रहना है, मुझे गलत संगति में नहीं जाना। हालेलुया। निष्कलंक रहना, गलत संगति में नहीं जाना, क्योंकि जीवन जो है एक समय आएगा समाप्त हो जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, चाहे वो जलाया जाए चाहे दफनाया जाए। हालेलुया। इस जीवन को रहते हुए आपको परमेश्वर से उद्धार को रिसीव करना जरूरी है। हालेलुया। उद्धार को रिसीव करना जरूरी है। हालेलुया। और कर जो विश्वास है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास जो है आपका कर्म बिना अधूरा, कर्म बिना अधूरा है, जब वचन में लिखा है कि बैप्टिज्म लेना है, और अगर आप विश्वास करते हैं, कईयों को 5 साल हो गए, कईयों को 6 साल हो गए, कईयों को 1 साल हो गया, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको प्रैक्टिकली इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप में से कितने जन ऐसे हैं जिनको यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे चंगा करूंगा, और उसी में जो है आप खुश हो गए, बस चंगाई पाए बिना आप खुश हैं, अगर ऐसे यीशु मसीह करें तो कैसा रहेगा बोलिए, अगर यीशु मसीह कहे मैं तेरे को फाइनेंशियल ब्लेसिंग दूंगा, या मैंने तेरे को दे दी लेकिन मिली नहीं, तो कितने जन विश्वास करेंगे बोलिए, बोलिए। तो प्रैक्टिकली जब आपको मिलेगी तभी आप विश्वास करोगे ना, यस और नो, तो वैसे ही प्रैक्टिकली आप बैप्टिज्म लोगे तभी आप उस चीज को प्रूव कर सकते हो क्या वाकई में यीशु मसीह के जो है सच्चे जन हो, यीशु मसीह से प्रेम करने वाले जन हो, यीशु मसीह का भय मानने वाले जन हो। भय मानने का मतलब होता है कि आप उनसे प्रेम भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं, आप उनसे प्रेम भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं, वो प्रेम वो भय है। तो आपको जो है बैप्टिज्म लेना उतना ही जरूरी है जितना आपको स्वर्ग में जाना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहां पे साफ बताया, साफ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, साफ बताया, साफ यीशु मसीह ने बता दिया। बैप्टिज्म लेना कोई आपका धर्म परिवर्तन नहीं है, आपका नाम बदला नहीं जाएगा, अगर आपको नाम बदलना है तो आप SDM कोर्ट जाके अपना नाम चेंज करा सकते हो अपने लिए, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपकी चॉइस है, यहाँ पे हम नहीं कराते किसी का, ऐसे आपकी मर्जी, आप कराना चाहो करा सकते हो, SDM कोर्ट जाके कोई आपने अंग्रेजों का नाम रखना रख सकते हो, ठीक है, लेकिन परमेश्वर से आपका पर्सनल रिलेशनशिप होना जरूरी है, और उसके लिए आपको मन फिराव का बैप्टिज्म लेना जरूरी है, मन फिराना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको बैप्टिज्म लेना, ताकि जीवन के बाद जो है आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाए, और जब आप बैप्टिज्म ले ले फिर आपको निष्कलंक और निष्पाप रह के अपने जीवन को व्यतीत करना है।
हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा।